हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे कि जो हम श्रमिंग करते हैं वो हम अपने हाथ से कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बिगनर्स होंगे, वो इस पिक के थ्रू, इस पिक की हेल्प से जो है श्रमिंग करते हैं, ऐसे पकड़ के और ऐसे, ठीक है। तो बहुत से जो मतलब बिगनर्स होते हैं और मोस्टली सब पिक से ही करते हैं शुरू में, लेकिन अगर उन्हें पिक छोड़नी है, अब हाथ से श्रमिंग करनी है, तो वो कैसे करें, उसके लिए आपको अपना राइट हैंड या मतलब जिस हाथ से भी आप श्रमिंग करते हैं उसकी आपको इंडेक्स फिंगर लेनी होगी और थंब लेना होगा, ये थंब और इंडेक्स फिंगर, ठीक है। अब आप जो मोस्टली जो एक तरीका है हाथ से श्रमिंग करने का, वो मैं बता देता हूँ कि जैसे आपकी इंडेक्स फिंगर, ये थंब, आप अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर थंब को रखिए ऐसे करके, ये यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्टली लोग ये करते हैं कि इंडेक्स फिंगर से डाउन ले लेते हैं, थंब से अप ले लेते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे प्लेस करिए और इंडेक्स फिंगर से ले लीजिए डाउन, इंडेक्स फिंगर के इस वाले पार्ट से, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये यहाँ से डाउन लाइक दिस और अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो एक तो ये तरीका है, और एक तरीका है कि आप अपने सिर्फ इंडेक्स फिंगर लीजिए और इसके इस वाले हिस्से से, इस वाले पार्ट से तो ले लीजिए डाउन और इस वाले से ले लीजिए आप ऐसे करके, हो सकता है ये आपको थोड़ा मुश्किल लगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फिंगर यूज होगी, तो मतलब वो चांसेस है कि वो डैमेज भी हो जाए या कुछ भी, मतलब हो सकता है। ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि अपना इंडेक्स फिंगर से ले लिया डाउन, इससे अप डाउन अप, और ये पूरा खेल जो है वो है प्रैक्टिस का। देखिए शुरू में तो मतलब आप एक दो दिन अगर कोशिश करेंगे हाथ से श्रमिंग करने की तो हो सकता है आपको इंजरी भी हो जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो वायर्स होते हैं ये शुरू में फिंगर्स के लिए मतलब काफ़ी हार्ड होते हैं, लगते हैं फिंगर्स को काफ़ी हार्ड है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ में। आई थिंक एक हफ्ता बस, एक वीक के अंदर आप हाथ से श्रमिंग करने लगेंगे ऐसे करके ना, जैसे जो भी आपको श्रमिंग पैटर्न प्ले करना है आप पहले उसे आराम से ट्राई करिए, ऐसे डाउन लीजिए पहले सिर्फ, फिर थंब से अप लीजिए ऐसे, तो ऐसे करके ट्राई करिए, और इसमें ज़्यादा मतलब मुश्किल है नहीं, ये हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक चाहे वो गिटार हो या कोई भी चीज़ हो, जितनी आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम देंगे वो उतना ही बेहतर होता रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।